नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर एग्जाम एमसीक्यू सीरीज पार्ट 13, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के बारे में। इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इसमें आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, ये जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है रेड कलर में दिखाई दे रहा है। यदि रेड कलर में दिखाई दे रहा है तो ये सब्सक्राइब नहीं है। अभी इसको सब्सक्राइब करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में बेल ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जाके हम ऑल पे क्लिक कर देंगे। ये अभी सब्सक्राइब हो चुका है। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए क्या उपयोग करेगा? तो इसका आंसर आएगा ऑल डी, यानी फाइल मेन्यू से नया आदेश, नई फाइल बना सकते हैं, मानक टूलबार से नया बटन तैयार कर सकते हैं, और कंट्रोल एन से प्रेस करके नई फाइल बना सकते हैं। तो इसका आंसर है डी। फिर अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में किस तरह की जानकारी का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सभी। इसका आंसर आएगा डी, ऑल। फिर अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर आएगा डी, लाइन रिक्ति का अर्थ लाइन के बीच की ऊंचाई और लंबाई है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन स्लाइड डिजाइन के संगत साथ संगत नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, स्लाइड लेआउट। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, पेज लेआउट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट स्क्रीन में इंसर्ट मेनू में कौन से तीन विकल्प हैं? तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल, यानी क्लिप आर्ट, चित्र, आकृतियाँ, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, चार्ट, तालिका, पार्ट बॉक्स, वस्तु, सभी। फिर अगले क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सी, इम्बोस। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान और कुल स्लाइड की संख्या में प्रदर्शित की जा गई है? तो इसका आंसर आएगा स्टेटस बार, बी। फिर अगला क्वेश्चन है, आपकी प्रस्तुति के सभी कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर आएगा टास्क पैन, बी। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुति में एक नई स्लाइड डालने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा Ctrl+M। Ctrl+M से न्यू स्लाइड यानी नई प्रेजेंटेशन डालने के लिए उपयोग करते हैं। स्लाइड लेआउट पैनल में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने लेआउट हैं? तो इसका आंसर आएगा बी, 9। प्रस्तुति में गणितीय समीकरणों को सम्मिलित करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर आएगा इक्वेशन, बी। पावर पॉइंट संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें आंसर आएगा ए, आप Ctrl+K कुंजी दबाकर स्लाइड में हाइपरलिंक सेट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक आइकन है जिसमें आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कमांड्स जैसे सेव, अंडू और रेडो होती हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, क्विक एक्सेस टूलबार। फिर अगला क्वेश्चन है, हम पेज सेटअप कमांड द्वारा क्या बदल सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल, यानी पेपर साइज, पेपर विथ, पेपर हाइट और ओरिएंटेशन, सभी बदल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किसी टैब में वर्तनी और व्याकरण से संबंधित उपकरण हैं? तो इसका आंसर आएगा रिव्यू, यानी रिव्यू टैब के अंदर होता है, बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, स्लाइड के विशेष प्रभाव देने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बी, एनिमेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का इस्तेमाल ज़्यादातर के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल द अबव, यानी नोट्स फॉर टीचर, शिक्षक के लिए नोट्स, छात्रों के लिए एक परियोजना के रूप में और नियोजन निर्देशों के अनुसार, डी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक फाइल प्रस्तुति जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग है? तो इसका आंसर आएगा बी, ब्लूप्रिंट।
फिर अगला क्वेश्चन, वस्तु की सामग्री को बदले बिना आप पावर पॉइंट में अलग अलग रंग लगाने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर आएगा बी, कलर स्कीम। फिर अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में कौन से ध्वनि प्रभाव जोड़े जा सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा ए, डॉट वेव एंड डॉट मिड। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में चयनित वस्तुओं या स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर आता है कंट्रोल डी, यानी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना सकते हैं स्लाइड या आकृति को। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट 2010 में एक नई प्रस्तुति बनाने से संबंधित कमांड निर्मित और खुली हुई प्रस्तुति को किस मेनू में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आएगा ए, फाइल। फिर अगला क्वेश्चन, स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए किस टेप का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ए, एनिमेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, इन यानी टूल में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल है, तो इसका आंसर आएगा होम टूल में, यानी सी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एनिमेशन मेनू टैब में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बी, फोटो एल्बम। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस दृश्य से हम सभी स्लाइड और उनकी वस्तुओं का एक साथ चयन कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा स्लाइड शॉटर ए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक ही प्रस्तुति में सभी स्लाइड को पढ़ने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर आएगा डी, डिजाइन टेम्पलेट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डिलीट कमांड द्वारा किसी प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा बी, करंट स्लाइड। फिर अगला क्वेश्चन आता है, आप स्क्रीन के निचले भाग में स्थित एक प्रदर्शित बटन पर क्लिक करके प्रस्तुति के दृश्य को बदल सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा सी, स्टेटस बार। फिर अगला क्वेश्चन आता है, स्लाइड का संपादन, टाइपिंग और प्रारूप हम किस दृश्य में कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा बी, नॉर्मल। फिर अगला क्वेश्चन आता है, आप पावर पॉइंट में द्वारा चार्ट को संपादित कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना। फिर अगला क्वेश्चन है, गाइड्स कमांड का क्या काम है? तो इसका आंसर आएगा सभी, डी, यानी डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल गाइड, डिस्प्ले वर्टिकल गाइड और हाइड गाइड्स, सभी डी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट शो में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है? तो ये .jpg, .gif, .wav, सभी डी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानक स्थान धारक का उपयोग किए बिना स्लाइड में पाठ दर्ज करने में सक्षम है? तो इसका आंसर आएगा टेक्स्ट टूल, डी। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, बीच में स्लाइड शो को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा एस्केप, ESC, सी। फिर अगला क्वेश्चन है, हम एक प्रस्तुति कैसे बना सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल, यानी रिक्त प्रस्तुति से, डिजाइन टेम्पलेट से, वर्तमान या पहले से उपलब्ध प्रस्तुति से, सभी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखा गया टेक्स्ट कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा प्लेस होल्डर, ए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्लिप आर्ट इमेज की दिशा बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों, यानी सी, क्लिप और रोटेट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन कैसे करें? तो इसका आंसर आएगा शिफ्ट क्लिक ईच स्लाइड, ए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आएगा ए, फाइल को खोलने, सहेजने, प्रिंट करने का कमांड फाइल मेनू में है।
फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ए ब्लैंक्स डाइजनल यानी ब्लिंक विकर्ण, ए फिर अगला क्वेश्चन आता है, चयनित चित्र की रूपरेखा बदलने, शैली बदलने, उसमें रंग भरने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सी कलर एंड लाइन। फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ के प्रारूप को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बी फॉन्ट। फिर अगला है, ड्राइंग को सही आकार देने के लिए माउस के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी शिफ्ट। पावर पॉइंट का एक हिस्सा है, पावर पॉइंट का हिस्सा होता है एमएस ऑफिस। फिर अगला क्वेश्चन है, जब स्लाइड शो के दौरान स्लाइड का पीछा किया जाता है तो प्रभाव को कहा जाता है? इसका आंसर आएगा डी स्लाइड ट्रांजिशन। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आएगा स्लाइड को अधिकतम 500% जूम किया जा सकता है। ये क्वेश्चन यानी ये कथन गलत है डी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग पावर पॉइंट में लाइनों के बीच की जगह को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सी लाइन स्पेसिंग। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पावर पॉइंट एनिमेशन से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा डी फ्लोटिन, फ्लाइन, स्प्लिट वाइप, फीका, दिखाई, आकार, जूम, उछाल, कुंडा, बढ़ने और मोड़, डी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रस्तुति का स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम स्लाइड शो मेनू से दृश्य दिखाई का चयन करें, सही है प्रेस 5, सही है ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड को जितना संभव हो उतना जूम किया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा सी 400। फिर अगला क्वेश्चन, यदि आप कोई छवि चुनते हैं तो आप क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर आएगा ए टू कॉर्नर हैंडल। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किसी सूची में वस्तुओं को पहचानने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा बुलेट सी। फिर अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नोट्स पेज आउटलाइन और हैंड आउट के लिए डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? तो इसका आंसर आएगा पोर्ट्रेट बी। फिर अगला है, प्रत्येक स्लाइड में समय निर्धारित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बी रिचार्ज टाइम। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में स्क्रीन पर निर्मित प्रस्तुति देने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा डी स्लाइड शो। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इन विच व्यू ओनली टेक्स्ट डिस्प्ले इन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट में केवल टेक्स्ट किस दृश्य में प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर आएगा बी आउटलाइन। फिर अगला क्वेश्चन आता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में बिना आप निजी स्लाइड और पूर्ण प्रस्तुति को किस विकल्प से प्रिंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा प्रिंट बटन ए। आप एक संगठन चार्ट की वस्तुओं को कैसे संपादित कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा ए और बी, यानी संपादित वस्तुओं पर क्लिक करके, संगठन चार्ट की वस्तुओं पर डबल क्लिक करके। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा सी फाइल मेनू से खुले पर क्लिक करें। फिर अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के किस कमांड से हम प्रेजेंटेशन और उससे संबंधित विभिन्न फाइलों को फ्लॉपी और हार्ड डिस्क में एक साथ कॉपी कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा बी पैकेट फॉर सीडी। फिर अगला क्वेश्चन है, किस कमांड से हम एनिमेशन का प्रभाव तुरंत देख सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा प्रीव्यू ए।
फिर अगला आता पावर पॉइंट में पहले से डाली गई छवि को संपादित करने के लिए क्या हुआ है, तो इसका आंसर आएगा ए, स्त्रोत फाइल को बदला नहीं जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड लेआउट एक नए स्लाइड विकल्प में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी, ड्राइंग विद कैप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में कौन सा रिबन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा डी, टूल्स। फिर अगला क्वेश्चन है, क्लिप बोर्ड की सामग्री को एक विशेष प्रारूप में चिपकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा डी, पेस्ट स्पेशियल। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि प्रस्तुति में कई स्लाइड हैं तो आप आसानी से अपनी सभी स्लाइड देख सकते हैं और इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किसी टेप से आप चित्र, टेक्स्ट, चार्ट आदि बदल सकते हैं, तो इसका आंसर है सी, इंसर्ट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के टेक्स्ट को प्रभावित करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा सी, वर्ड आर्ट स्टाइल। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के पार्ट को नई शैली देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा बी, टेक्स्ट इफेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति किस दृश्य में खुलती है, तो इसका आंसर आएगा ए, नॉर्मल। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में जब आप कंट्रोल एन कुंजी का उपयोग करते हैं करके एक नई स्लाइड प्रस्तुत खोलते हैं, तो यह किस पर आधारित है, तो इसका आंसर आएगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन, रिक्त प्रस्तुति। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है, तो इसका आंसर आएगा स्लाइड पर आइटम को स्थानांतरित करने की विधि सी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक टिगर क्या है, तो इसका आंसर आएगा स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक पर काम करता है बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से टास्क पेन पर कौन सा उपलब्ध नहीं है, तो इसका आंसर आएगा मास्टर स्लाइड बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा डी, लैंडस्केप। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच की इज यूज्ड टू कम एट द फर्स्ट स्लाइड इन द पावर पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल प्लस होम सी। फिर अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में सभी बॉक्स को एक साथ चुनने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल, सभी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, यदि आप अपनी प्रस्तुति किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल द्वारा भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल संदेश में किस विकल्प का उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर आएगा अटैचमेंट बी। स्लाइड शो के दौरान स्लाइड नंबर 4 पर सीधे जाने के लिए क्या उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर है बी, फॉर एंटर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रस्तुति में प्रिंट विकल्प बॉक्स में केवल 5 और 12 स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा कस्टम रेंज बी। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के हेड आउट में हेडर फुटर को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी टाइटल मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, ऑल डी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, स्लाइड शो प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कुंजी का उपयोग प्रयोग नहीं किया जा सकता है,
तो इसका आंसर है सी, एस्केप की। फिर अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, पावरपॉइंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक प्रस्तुति में कम से कम एक स्लाइड होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छी तरह से व्यवस्थित संगठन संलग्न करने के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग करें, बिल्कुल सही है। रेडी टू यूज क्लिप आर्ट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो ये सभी टी मित्रों, ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, 85 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ये मोस्ट क्वेश्चन है। इसको एक बार वापस पढ़ें और समझें इनको। जो एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चंस, वो आप एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा आप कमेंट भी डाल सकते हैं इसके बारे में। धन्यवाद मित्रों।